नमस्कार सभी लोगों का, मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं अपने चैनल मिथिला रिवाज में। जो महिलाएं सिर्फ हाउसवाइफ हैं, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए और मेरे साथ सीखिए मिथिला पेंटिंग और अपनी एक अलग पहचान बनाइए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करिए और जब भी टाइम मिले, जब आपका मन करे तब सीखिए मिथिला पेंटिंग। तो आइए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। और बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका सिर बनाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले उसका हम सिर बनाएंगे। और मोर का गर्दन लंबा होता है तो इसको लंबा खींचेंगे ऐसे, थोड़ा सा नीचे ले जाके फिर ऐसे, फिर इसको अंदर ले जाएंगे, फिर इसको थोड़ा सा फैला लेंगे और इसको ऐसे, और फिर ये पंख हो जाएगा मोर का। इसमें चोंच डाल देंगे हम, और सिर के ऊपर जो होता है इसका, इसको हम इसमें आंख डाल देंगे और इसके आधे आंख को हम भर देंगे, काले कलर से भर देंगे। आंख हो गया, ऊपर हम थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे, इसका ऊपर वाला पंख बन गया। और इसके गर्द, क्लास में चिड़िया बनाना बताई थी तो उसमें मैंने गले की सजावट बताई थी। तो अगर आप लोगों ने उस क्लास को मिस कर दिया है तो आप लोग आई बटन में जाइए, लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। इसको हम ऐसे कर देंगे, थोड़ा सा डिजाइन बना देंगे। अब इसका पैर देखिए ऐसे, इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। ऐसे, और इसमें पंख बना लेंगे इसका, जो मोर का होता है ऐसे वाला, पूरी में ऐसे बना लेंगे। यहाँ पे अब आइए एक और छोटा सा मोर बनाते हैं जिसका पंख ऊपर की तरफ रहेगा। फिर हम ऐसे ही गर्दन बना लेंगे मोर का, इसको नीचे ले जाएंगे, ऐसे चोंच बना लेंगे, और इसका पंख जो है हम इसमें देखिए, इसमें हम आंख ऐसी बना लेंगे और आधे आंख को भर देंगे, इसके सिर के ऊपर भी जैसे पहले बताए हूं ऐसे बना लेंगे। फिर इसके गर्दन को इसमें हम कमल का फूल, मैंने बहुत सारे फूल भी बनाना सिखाई हूँ। अगर आपने क्लास मिस कर दिया हो तो आई बटन पे जाएं तो आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सीख सकते हैं। काफी डिजाइन के मैंने बता रखे हैं फूलों के। यहाँ मैं एक गर्दन मोड़ने वाला बता रही हूँ। इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, ये बना लेंगे, ऐसे ऐसे, और फिर इसके अंदर चोच होगा, नहीं उसमें करके रखा हुआ है, इसको हम डबल लाइन कर लेंगे। इसको हम ऐसे लेंगे, इसमें भी हम ऐसे बना देंगे, इसको इसको हम बीच से ऐसे लाइन खींच देंगे तो ये थोड़ा अलग सा डिजाइन हो गया। अभी आंख हम गोल बना लेंगे और इसके अंदर ऐसे करके ये डाल देंगे, ये एक टाइप का हो गया। इसको हम अगर जोड़ा में बनाएंगे तो काफी अच्छा लगेगा, तो मैं जोड़े में बना देती हूँ। तो ये देखिए, ये ऐसे यहाँ पे हो गया, ये देखिए ये जोड़े में बन गया। इसको भी हम ऐसे करेंगे,
इसका भी ऐसे हम पैर बना लेंगे, इसके बीच हम फ्लावर डाल देंगे तो अच्छा लगेगा, फ्लावर बना सकते हैं हम लोग। एक और डिजाइन बताती हूँ मोर का, ऐसे हो जाएगा जैसे बनाई हूँ वैसी है, बस थोड़ा सा डिफरेंट पंख कर रही हूँ, पंख को हम ब्लॉक नहीं करेंगे, ऐसे चोंच हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा। इसको इसे डाल देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे नहीं, ये रखेंगे और इसमें इसको भी हम ऐसे कर देंगे। इसमें पैर बना लेंगे। अब हम इसको तैयार करेंगे। तैयार के लिए देखिए, सबसे पहले इसको डबल लाइन कर लेंगे, इसमें जैसे मछली का छिलका डालते हैं वैसे डालेंगे और इसको हम जैसे ऐसे ऐसे ये ध्यान रखना, जब इसको कचेंगे हम लाइनिंग करेंगे तो इसको एक तरफ से कचेंगे तो थोड़ा सा जगह उस तरफ के लिए भी छोड़ देंगे, कि उस तरफ का भी बताऊंगी कैसे करेंगे उसको। अब देखिए इसको हम जो जगह छोड़ दिए थे ऐसे करेंगे मिला मिला के, एक ऊपर को जाएगा तो एक नीचे को आएगा ऐसे। ये देखिए ये नीचे को आ रहा है तो ये ऊपर को जाएगा। अब देखिए इसको ये छोड़ देंगे, ये रेड से करेंगे, ये ब्लैक से करेंगे। इसमें भी हम ऐसे कर देंगे, ये जितना भी इसमें 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 बताती इसको ऐसे ही कर देंगे सीधा सीधा। इसमें हम एक रेड एक ब्लैक एक रेड ब्लैक मिक्स को ऐसे कर देंगे। इसको जैसे इसको किया है ऐसे कर क्या करेंगे हम, अब देखिए ये हो गया, काले का काम हो गया है, ब्लैक कलर का काम हो गया है, अब हम इसमें रेड कलर का काम करेंगे। इसके हम गर्दन को ऐसे से इसमें थोड़ा थोड़ा डॉट डाल देंगे, इसको इसको हम क्रॉस कचनी करेंगे ऐसे ऐसे हम सीधे ऐसे कर देंगे।
इसमें हम इतना इतना भर देंगे, ये अलग डिजाइन हो जाएगा। इसको इसमें क्या करेंगे हम, इसमें एक छोटा सा डालेंगे, फिर एक बड़ा सा, एक छोटा सा, एक बड़ा सा। अब हम इसमें ब्लू कलर से काम करेंगे, क्योंकि मोर में तो ब्लू रहता ही है। देखिए इसको ज्यादा कुछ नहीं करना है, उसे इसको उल्टा सीधा, उल्टा फिर सीधा, उल्टा फिर सीधा, उल्टा फिर सीधा ऐसे करेंगे। इसको हम ऐसे सीधा सीधा कर देंगे, इसको भी हम ऐसे करेंगे। इसमें थोड़ा सा अलग डिफरेंट डिजाइन कर देते हैं, इसमें छोटे छोटे बिंदी डाल देते हैं, वो भी अच्छा लगेगा ब्लू कलर से। ये देखिए हमारे काफी सारे मोर जो हैं वो बनके तैयार हो गए, और देखिए कितना प्यारा लग रहा है देखने में। आगे की क्लासेस में मैं और भी बहुत कुछ सिखाऊंगी, तो ऐसे ही मेरे साथ सीखते रहिए मिथिला पेंटिंग। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे साथ सीखने में मजा आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो मैंने अपना मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, तो आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो इसी तरह मेरे साथ सीखते रहिए मिथिला पेंटिंग। धन्यवाद।